18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही मंगलवार को वैक्सीनेशन सेंटर बोरावड़ पर सुबह 6 बजे से ही जमकर भीड़ उमड़ी। चिकित्सा विभाग को भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। इस दौरान लाइन में खड़े लोगों ने चिकित्सा प्रशासन एवं मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ज्यादा भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाया। वैक्सीनेशन की लाइन में सुबह 6 बजे से ही खड़े कई लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि टोकन लाइन में नहीं दिए गए, कार्मिकों ने टोकन पर नंबर भी नहीं लिखे, कुल 200 टोकन 2 मिनट में बट गए। कार्मिकों ने लाइन में खड़े अपने चहेतों को एक की जगह तीन तीन टोकन दे दिए, जिससे कई मजदूर पैसा लोग वास्तविक हकदार टीके से वंचित हो गए। उन्हें दुख है कि नियमानुसार रोजाना आकर लाइन में खड़े होते हैं, मगर व्यवस्थित रूप से टोकन वितरण नहीं किए जाते और उन्हें निराश लौटना पड़ता है। इस दौरान ये बात भी सामने आई कि कुछ वार्ड पंच एवं प्रभावशाली लोग चिकित्सा प्रशासन पर दबाव बनाकर कि बिना लाइन में खड़े अपने परिजनों के लिए 5 से 10 टोकन एडवांस में ले गए। भीड़ में टोकन लेने वाले ऐसे कई लोग शामिल थे जिन्हें टीका लग चुका है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक आधार कार्ड पर 3 से 5 टोकन लेने में नहीं चूकते। ऐसे असली हकदार भी भावनाएं आहत हो रही है और परिणाम स्वरूप आक्रोश और अव्यवस्था फैल जाती है। स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि वार्ड पंचों ने चिकित्सा प्रशासन को टोकन वितरण बिना भेदभाव और व्यवस्थित रूप से करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि वैक्सीन की कमी की वजह से पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है और अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ बेकाबू हो रही है। क्या शुभ नाम सर आपका? क्या शुभ नाम आपका? गोगाराम नेत्रा। क्या कहना चाहोगे सर? वैक्सीन बिल्कुल बोरावड़ सीएचसी के अंदर बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, सबके बिल्कुल ओके, सब कर्मचारी बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जनता ज़्यादा आती है, टीके कम आते हैं, तो आगे से आगे व्यवस्था होती रहेगी। बाकी बिल्कुल सही, सुचारू रूप से है सब और बिल्कुल सही है। गांव के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए और जैसे जैसे नंबर आने चाहिए वैसे वैसे वैक्सीन लगवानी। निवेदन करता हूँ अस्पताल प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से भी कि दोनों के सहयोग से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए, ताकि कोरोना गाइडलाइन की भी, कोरोना जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उसका सुचारू रूप से पालन। मैं श्याम सुंदर सैनी सुबह 7 बजे से यहाँ लाइन में लगा हूँ और जैसे केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन को जो प्रायोरिटी दी गई है, हमारे को ना तो कोई टोकन लेना होगा और मस्ट प्रायोरिटी दी गई है कि अगर हम अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो हमारे को सबसे पहले कोविशील्ड जैसे ही उपलब्ध होती है स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे को लगाई जाए। इसके बजाय यहाँ सारा सब कुछ उल्टा हो रहा है, मैं लाइन में भी लग रहा हूँ और मुझे ना टोकन दिया जा रहा है और मेरे सामने मैंने देखा है कि टोकन फाड़ कर फेंके जा रहे हैं और सीरियल वाइज किसी